हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑक्सीजन प्लांट निर्माण प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार। पालिका अध्यक्ष पर रूडीप के अधिशासी अभियंता ने किया निरीक्षण। 5 दिन में शुरू होगा निर्माण कार्य। 65 लाख की लागत से 18 गुना 18 वर्ग फुट में तैयार होगा प्लांट। 2 माह में बनकर तैयार होगा ऑक्सीजन प्लांट। सीएचसी के पास बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। आगरा पट्टा सीएचसी में आगामी 2 माह में ऑक्सीजन प्लांट आकार ले लेगा। 65 लाख की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट स्थल का पालिका अध्यक्ष मगन नाम चारण, रूडीप के अधिशासी अभियंता दीपक मंडल व पालिका ईओ विनोद बंसल ने निरीक्षण किया। निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते शहर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की संख्या में खासा इजाफा हुआ। ऐसे में चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की अत्यंत कमी महसूस की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए कोरोना संक्रमितों के परिजनों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में पालिका अध्यक्ष मगन नाथ चारण की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पहल की गई। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति मिलते ही पालिका की ओर से DLB में 65 लाख रुपए जमा करा दिए गए। आगरा पट्टा राजकीय चिकित्सालय से सटकर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय किया गया। इसी के तहत पालिका अध्यक्ष चारण, रूडीप के अधिशासी अभियंता दिलीप मंडल, पालिका के अधिशासी अधिकारी विनोद बंसल चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सालय के पास ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण स्थल का जायजा लिया। प्लांट के तकनीकी बिंदुओं पर चर्चा की। प्लांट के तैयार होने से रोगियों को प्राणवायु सहज सुलभ होगी। ऐसे में प्राणवायु उपलब्धता के मामले में ऑक्सीजन प्लांट लाइफलाइन साबित होगा। इस अवसर पर डॉक्टर PN गुप्ता, पार्षद अमर सिंह, सुरेश बंजारा आदि मौजूद थे। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य आगामी 5 दिनों में शुरू होगा। 18 गुना 18 वर्ग फुट में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में 65 लाख रुपए होंगे। 100 बेड वाला ऑक्सीजन वार्ड आगामी 2 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 100 सिलेंडर रिफिलिंग किए जा सकेंगे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए दिलीप मंडल, अधिशासी अभियंता रूडीप, इन्होंने ये कहा। 65 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग है और ये 2 महीने में बना के तैयार करना है। ये काम कब से शुरू करेंगे? काम तो जल्दी जितना जल्दी हो सके। ये कितने एरिया में बनेगा सर? ये लगभग है 18 बाई 18। लगभग कितने दिन में बनके तैयार हो जाएगा? कोशिश आप 45 से लेकर 60 दिन तक है। कम से कम 45 दिन, अधिक से अधिक 60 दिन। इसका सर रखरखाव मेंटेनेंस वगैरह सारा? वो सारा हॉस्पिटल है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मगन नाथ चारण, चेयरमैन नगर पालिका आबू रोड, इन्होंने ये कहा। के लिए शुरू कर रहे हैं। लंबे समय तक लोगों को इससे राहत मिलेगी। ऑक्सीजन के लिए थी ट्राई हो रही थी, इसलिए हमारे नगर पालिका बोर्ड ने एक निर्णय लिया कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन प्लांट लगा के और शहर की जनता को इससे राहत। कितने बेड का होगा ये? 100 सिलेंडर पर डे, 100 सिलेंडर अपने रिफिलिंग कर सकते हैं। इतनी रिक्वायरमेंट होगी जब तक यहाँ इनको हॉस्पिटल में यूज होगी, हॉस्पिटल में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो बचा कुचा होगा तो आसपास से जो फैक्ट्रियाँ हैं, वेल्डिंग वाले हैं, दुकानें वाले हैं, इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। आसपास के ऑफिस की लागत 65 लाख रुपए की लागत है, वो जल्दी करके और सपोर्ट कर देगा। जागरूक टीवी की सीलदर से खास रिपोर्ट।